आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। आइए रुक करते इस वक्त की कुछ खास खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के विधान परिषद के चुनाव परिणामों में बीजेपी ने इतिहास रचते हुए 36 में 33 सीटों पर जीत हासिल की। इस जबरदस्त जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रच दिया है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब विधानसभा के साथ साथ किसी पार्टी को विधान परिषद में भी बहुमत हासिल हुआ है। इस चुनाव में उत्तर प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी का तो सफाया हो गया है। भाजपा के अलावा 2 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं, जबकि 1 सीट पर राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक को जीत मिली है। हम थोड़ा सा पहले कोरोना काल में चलना चाहते हैं। कोरोना काल में पूरा प्रदेश, देश, दुनिया भयाक्रांत थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक एक सिपाही अपने अपने क्षेत्र में लगा हुआ था। हर व्यक्ति को किसको वेंटिलेटर जरूरत है, कोरोना में किसी क्या मदद करनी है, सब लगा हुआ था। लेकिन विपक्ष एकदम सोया हुआ था, शून्य में था, विपक्ष कहीं दिख ही नहीं रहा था। जो विपक्ष के लोग आज नेतृत्व 4 महीना से चुनाव निकल के आए हैं, उनके गिरवान में उनकी आत्मा से पूछिए कि उन्होंने कोरोना काल में क्या किया। तो विपक्ष शून्य है। और जो आप अभी विधान परिषद चुनाव की बात कर रहे हैं, एक एक BDC चुना हुआ व्यक्ति होता है, एक एक प्रधान चुना हुआ व्यक्ति होता है, और वो चुनाव गलत नहीं करता है। जी, ये जनता का आशीर्वाद और प्यार है जो जनता के बीच में लगातार हम लोग 3 पीढ़ियों से कार्य कर रहे हैं, उसी की वजह से जनता ने आज और जनप्रतिनिधियों ने दोनों जनपदों के अपना आशीर्वाद के रूप में इतनी बड़ी ऐतिहासिक जीत। हम लोग का पूरा परिवार स्वर्गीय श्री चंद्रशेखर जी के राजनीतिक तौर पर अनुयायी रहा है, और मेरी श्रद्धा जो है पूज्य महाराज जी के प्रति है। आशीर्वाद का है और हमारे मतदाताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। ये ऐतिहासिक है, मुझे लग रहा है 4 दशक में ऐसा पहली बार हुआ है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी को, पूरे प्रदेश वासियों की तरफ से, गाजीपुर वासियों की तरफ से मैं धन्यवाद देता हूँ। 3266 वोट से हमारी विजय हुई है। इस जीत के पीछे यशस्वी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी का बहुत बड़ा योगदान है। जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से पूरे देश में 2014 से 22 तक कहीं ना कहीं जो डेलीगेट्स का चुनाव था, प्रधान, BDC, जिला पंचायत सदस्य, चेयरमैन, सभासद, मेयर, सभा पार्षद, विधायक, सांसद जो वोट करते हैं, उनके द्वारा जो काम किए गए उसका एक परिणाम है। इस लोकल बॉडी MLC के अंदर हम जैसे कार्यकर्ता को, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को, उन मतदाताओं ने हमको जिताया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के सरकार के जन कल्याणकारी नीतियों की जीत है। यह जीत हमारे संगठन के तीनों जिला अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में संगठन के सभी कार्यकर्ता, हमारे तीनों सांसद, हमारे सभी विधायक और जिला पंचायत के अध्यक्ष, और इसके अलावा जिला पंचायत के प्रतिनिधि और ग्राम प्रधान, BDC के सब लोगों के साथ, हमारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं के जो उन्होंने मेहनत की, पराकाष्ठा की थी, इन सब कारण से हम लोगों को यह विजय मिली है। इसलिए मैं दोनों हाथ जोड़कर उन सब लोगों का अभिनंदन करता हूँ। इसी तौर से मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, अपने शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने अपना प्रत्याशी बना करके हमको रायबरेली जनपद में भेजा, हमारे ऊपर भरोसा किया, हमारे ऊपर विश्वास किया, और पंचायत प्रतिनिधि भी उस कसौटी पर खड़े उतरे रायबरेली जनपद के। मैं उन पंचायत प्रतिनिधियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 95% लगभग 95% मत दे करके उन्होंने विजयी बनाया है। भारतीय जनता पार्टी के मजबूत संगठन के बदौलत, बूथ लेवल पे जो उनका संगठन था, जिले के जो पदाधिकारी थे, हमारे माननीय विधायकगण थे, मंत्रीगण थे, जनपद के उन सभी लोगों का जबरदस्त सहयोग और सबका परिश्रम का प्रतिफल रहा, कार्यकर्ताओं के परिश्रम का प्रतिफल रहा, तथा हमारे जो सहयोगी साथी थे जिन लोगों ने दिन रात एक करके बिना रुके बिना थके चुनाव में परिश्रम किया, उसी का प्रतिफल रहा कि भारी अंतर से हम लोगों ने ये चुनाव जीता। और
उत्तर प्रदेश के विधान परिषद के चुनाव परिणामों में बीजेपी ने इतिहास रचते हुए 36 में 33 सीटों पर जीत हासिल की। इस जबरदस्त जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रच दिया। इस चुनाव में उत्तर प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी का तो सफाया हो गया। भाजपा के अलावा 2 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं, जबकि 1 सीट पर राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक को जीत मिली है। वहीं तमाम जिलों में जश्न की तस्वीरें भी सामने आई है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार शपथ लेने के बाद सभी विभागों के मंत्रियों को निर्देश दिया गया है। वहीं अपने 100 दिनों के काम का खाका तैयार कर उस पर काम किया जाए। उसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पिछले कार्यकाल में हुए कार्यों के बारे में जानकारी दी। साथ ही साथ आने वाले समय में उनके विभाग के द्वारा क्या काम किया जाएगा इसकी जानकारी साझा की। पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश की योजना इतना सरकार ने किसानों के दृष्टि से लगातार जो ठोस कदम उठाए और उसको आप आम किसानों तक पहुंचाने में हमारी मदद की है, इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूं। भारतीय जनता पार्टी ने 6 अप्रैल स्थापना दिवस को स्थापना दिवस मनाते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। हमारे साथ मौजूद है उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी। सर, 36 सीटों में से 33 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गई हैं, क्या कहेंगे? ये अभी अपने में एक नया इतिहास है और इतिहास के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी समर्थकों और जिन मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को वोट डाले हैं उन सबको अपनी ओर से धन्यवाद भी देता हूं और विजयी उम्मीदवारों को बहुत बहुत बधाई। सर, समाजवादी पार्टी चुनाव में घोटाले की बात करिए, इस पे क्या कहेंगे आप? वो हर बार ऐसे ही आरोप लगाते हैं, जब वो असफल होते हैं तो इस तरीके के मनगढ़ंत आरोपों को लगा करके जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। जी, तो हमारे साथ मौजूद थे उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इस जीत पे वो भी जो उम्मीदवार जीते उनको बधाई दे रहे हैं और समाजवादी पार्टी की हार पे वो ये कह रहे हैं कि जब उनकी हार होती है तो वो ऐसी ही बात करते हैं। कैमरामैन दीपक के साथ विभान सुप्राइम टीवी लखनऊ। क्योंकि सरकार में खादी ग्रामोद्योग मंत्री राकेश सच्चान ने एमएलसी चुनाव में मिली जीत को भाजपा की नीतियों की जीत बताई है। साथ ही उन्होंने इस जीत के लिए प्रदेश भर में पंचायत प्रतिनिधियों को बधाई दी है। उन्होंने प्रदेश की योगी सरकार को गरीबों के हित में काम करने वाली सरकार बताते हुए कहा कि चुनाव के दौरान संकल्प पत्र में जो वादे किए गए थे वो पूरे होंगे। स्थानीय निकाय के चुनाव डिक्लेयर हो रहे हैं और 100% सीटें भारतीय जनता पार्टी योगी जी के नेतृत्व में विधान परिषद के चुनाव जीत रही है। 1-2 सीट हैं जो निर्दलीय उम्मीदवार अन्य दलों को जा रही है, लेकिन पूरी तरह से आज जो प्रधान बीडीसी जिला पंचायत या विधायक जनप्रतिनिधियों का चुनाव, इसमें 100% बहुमत से विधान परिषद उच्च सदन में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत प्राप्त हो रहा है। उसके लिए मैं सभी प्रदेश के प्रधानों को, जिला पंचायत सदस्यों को और चुने हुए जितने जनप्रतिनिधियों को उनके आपके माध्यम से उनको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने भारी मतों से भारतीय युवाओं को डिजिटल सशक्तिकरण के लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार छात्रों को मुफ्त में टैबलेट और स्मार्टफोन मुहैया करवा रही है। इसी क्रम में राजधानी लखनऊ के अवध डिग्री कॉलेज में छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किया गया, जिसमें युवा छात्र छात्राओं को उनकी पढ़ाई में डिजिटल मदद मिले। वहीं इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उच्च शिक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय समेत अवध गर्ल्स कॉलेज के प्रिंसिपल और टीचर मौजूद रहे। लखनऊ के अवध डिग्री कॉलेज में छात्राओं को जो ग्रेजुएट हैं और पोस्ट ग्रेजुएट हैं उनको पोस्ट ग्रेजुएट को टैबलेट और जो ग्रेजुएट हैं उनको मोबाइल फ़ोन दिए जा रहे हैं। इसी क्रम में हमारे साथ कुछ छात्राएं हैं, आपको मोबाइल फ़ोन मिला है तो अगर देखें तो शिक्षा में आपको इससे क्या फ़ायदे मिलेंगे? हम लोग इजीली अपनी बुक्स को अवेल कर सकते हैं इस पे। हम लोग को जो बुक्स बाहर मार्केट में नहीं मिलती हैं हम इजीली इस बुक्स को ऑनलाइन सर्च करके पढ़ सकते हैं, तो उससे बहुत हेल्प हो जाएगी हम लोग की। मतलब ई बुक रीडिंग में आपके ये मोबाइल फोन काम आएगा? यस, बहुत हेल्प करेगा। अच्छा, आप ये बताएं, आपको टैबलेट मिला है, आप पीजी में होंगी,
आगे की पढ़ाई में किस तरह से लाभ मिलेगा और कैसा महसूस कर रही है टैबलेट पाकर? पहले तो मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ कि हमें टैबलेट मिला है, और हम क्योंकि पीजी से हमारा जो है रिसर्च रहता है, हमारा अध्ययन रहता है, काफी डिटेल स्टडी रहता है, तो रिसर्च करने में, इसमें टाइप करने में बहुत आराम रहेगी, रिसर्च मटीरियल डेटा कलेक्ट करने में बहुत अच्छा रहेगा, तो हमें तो इससे पूरे फायदे हैं। हम पीडीएफ ले सकते हैं, हम सब कुछ सर्च कर सकते हैं, अलग अलग तरह का डेटा एनालाइज भी कर सकते हैं, तो इससे हमें काफी मदद मिलेगी। और खाली एनालाइज ही थोड़ी करेंगे, हम लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, हम इस पे एंटरटेनमेंट के जरिए भी ढूंढेंगे, शायरी पोएट्री एवरीथिंग। अच्छा, आप अपना नाम बताओ और कैसा महसूस कर रही है, क्या लाभ मिलेगा इस मोबाइल फोन? सर, मेरा नाम आंचल चौबे है और मैं बीए थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि हमें स्मार्टफोन मिला है, और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोविड के टाइम पे हमारा सारा काम स्मार्टफोन से ही हो गया था, हमारे स्कूल भी सारे ऑफ हो गए थे, हमारी स्मार्टफोन से ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, तो हमें इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है, और हम कोई भी चीज इसमें मतलब स्मार्टफोन पे हम इजीली खोज सकते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बता दें। आदिति सिंह नाम है मेरा, और मैं जी। अच्छा, ये बताएं आदिति, आपके ये फोन किस काम आएगा और कैसा महसूस कर रही है इसको पाके? इसको पाके तो हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, और मैं थैंक्स बोलना चाहूंगी योगी जी को। ये फोन हम लोगों के लिए बहुत यूजफुल है पढ़ाई के लिए, क्योंकि लॉकडाउन में हम लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, क्लासेस वगैरह आप लोग जानते हैं बंद हो गई थी, तो जो भी पढ़ाई की हम लोगों ने वो ऑनलाइन ही की, और आजकल आप लोगों को पता है बहुत कम समय में ज्यादा नॉलेज अगर गेन करनी है तो उसका सबसे बेस्ट मेथड रहता है फोन। गूगल से आजकल हम लोग कुछ भी सर्च कर सकते हैं, जो कि फोन हम लोगों को बुक्स कभी कभी होता है कि शॉप्स पर नहीं होती हैं, तो हम लोग कहाँ जाएं, तो हम लोग गूगल ही पे जाते हैं, तो हम लोगों के लिए तो बहुत यूजफुल है स्टडी के लिए, बहुत कम समय में हम लोग अपनी एक्स्ट्रा चीजों को कर पाएंगे इसके थ्रू, तो थैंक्स बोलना चाहूंगी मैंने। अच्छा, आप अपना नाम बताएं और कैसा महसूस कर रही हैं और ये फोन आपके किस काम आएगा पढ़ाई में? मेरा नाम अदिति सिंह है और मैं बीए थर्ड ईयर की हूँ। ये फोन बहुत काम आने वाला है, आजकल सब कुछ डिजिटल हो गया है, फेसबुक, यूट्यूब, और सब पे इतना नॉलेज है, जहाँ से हम पढ़ सकते हैं, यूट्यूब से हमें बुक्स चाहिए होती है जो काफी महंगी भी होती है, अवेलेबल भी नहीं होती मार्केट। रीडिंग आपके? हाँ, ई बुक में बहुत आएगी, ई डिजिटल जितना भी इसमें है हम लोग जेड लाइब्रेरी से डाउनलोड कर सकते हैं अपनी कोर्स की बुक अपनी नॉलेज के लिए, और जो अलग अलग मेंटोर्स हैं उनसे हम पढ़ सकते हैं इसके थ्रू, ये बहुत काम आने वाला है। थैंक यू योगी जी, और ये हमारे विकास में काम आएगा। तो हमारे साथ छात्राएं थी जो मोबाइल फोन और टैबलेट पाकर कहीं ना कहीं खुश महसूस कर रही हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि इस मोबाइल फोन से हम कहीं ना कहीं अपनी शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाएंगे और इससे रिसर्च करेंगे। कैमरामैन दीपक हमारे साथ मौजूद है, उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी। सर, आज टैबलेट और मोबाइल फोन बांटा जा रहा है, क्या उद्देश्य के तहत और इससे छात्रों को क्या फायदे मिलेंगे? शिक्षा की जो नई नीति आई है उसमें संस्कार युक्त शिक्षा, रोजगार युक्त शिक्षा और तकनीक से जुड़ी हुई शिक्षा, ये हमारा उसमें नीति है, हमारी योजनाएं हैं, उसी के तहत शिक्षा को तकनीक से जोड़ना है, और तकनीक से जोड़ने के लिए प्रत्येक छात्र के हाथ में टैबलेट हो और स्मार्टफोन हो, जिससे वो शिक्षा को आधुनिक साधनों से ग्रहण कर सकें। पूरे प्रदेश में जो 100 दिन का लक्ष्य है, 9 लाख टैबलेट या स्मार्टफोन का वितरण पूरे प्रदेश में हो रहा है, उसके अंतर्गत आज अवध कॉलेज लखनऊ में वितरण हुआ है, जहां मैं आया था। सर, आज विधान परिषद चुनाव के नतीजे आए, 36 सीटों में से 33 सीट बीजेपी के खाते में गई है, ऐतिहासिक जीत हासिल की है। वहीं प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से निर्दल प्रत्याशी की जीत हुई है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जहां तक सवाल है कि पूरा प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में मैं देखना चाहूंगा, प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहूंगा कि 33 सीटें 36 में भारतीय जनता पार्टी के पाले में आई है, यानी जनता तो साथ है ही, जनप्रतिनिधि जो छोटी निकायों के होते हैं वह भी साथ हैं, उनको लग गया है कि अब देश का और प्रदेश का भविष्य मोदी जी और योगी जी के हाथों सुरक्षित है। आखिरी सवाल, समाजवादी पार्टी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि चुनाव में धांधली हुई, इस पर आप क्या कहेंगे? उनमें तो एक ही वाक्य में खत्म करूंगा कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो हमारे साथ मौजूद थे उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि छात्रों को मोबाइल और टैबलेट देने की नीति में कहीं ना कहीं उनके शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें लाभ मिलेगा। कैमरामैन दीपक के साथ विभान सुप्राइम टीवी लखनऊ। खबर देवरिया से है, जहां कुशीनगर स्थानीय निकाय प्राधिकारी एमएलसी चुनाव में बीजेपी के डॉक्टर रतनपाल सिंह निर्वाचित घोषित होने पर बीजेपी के समर्थकों में जश्न का माहौल था। वहीं निर्वाचित डॉक्टर रतनपाल सिंह के समर्थन में जुलूस निकालकर जश्न मनाया गया। डॉक्टर रतनपाल अपने निकटतम सपा उम्मीदवार डॉक्टर कफील खान को 3,224 मतों के अंतर से पराजित कर जीत दर्ज किया है।
खबर बहराई से है, जहां पर एमएलसी चुनाव में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी ने 3188 मत से सपा प्रत्याशी को एक तरफा मुकाबले में पराजित कर दिया है। भाजपा प्रत्याशी की जीत से समर्थकों में खुशी का माहौल है। एमएलसी चुनाव 9 अप्रैल को हुआ था, जिसमें 98.91% मतदान हुआ। भाजपा ने डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी और सपा ने अमर यादव को प्रत्याशी बनाया था। सबसे पहले तो मैं शीर्ष नेता संगठन के सभी शीर्ष नेता हमारे दोनों ही जनपद के जिला अध्यक्ष उनकी पूरी टीम को, मोर्चों के सभी अध्यक्ष उनकी पूरी टीम को, क्षेत्र से हमारे जो प्रभारी जिनको बनाया, प्रदेश से जिनको प्रभारी बनाया गया, और हमारे सभी माननीय सांसदगण, विधायकगण दोनों ही जिलों के, और हमारे जो भी वोटर्स हैं, हमारे सभी ब्लॉक के प्रमुखगण, पूर्व के ब्लॉक के प्रमुखगण, क्षेत्र पंचायत सदस्यगण, प्रधानगण, जिला पंचायत सदस्यगण, दोनों ही जिलों के जिला पंचायत अध्यक्षगण एवं सभी संगठन के कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी और उनको आभार हृदय से। खबर रामपुर से है, जहां चुनावी रंजिश को लेकर गोलियां चल गई। इस दौरान एक युवक की मौके पर मौत हो गई और एक युवक गोली लगने से घायल हो गया। आनन फानन में घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। बता दें, प्रधानी के चुनाव को लेकर पुरानी रंजिश के चलते यह फायरिंग हुई थी। अपने गेट पे बैठे थे और तब आए ये लोग, ताबड़तोड़ गोलियां मार दी। इनामी बदमाश है, पुलिस को इन पे ध्यान नहीं दे रही है। बार बार इनके खिलाफ चोरी के मुकदमे लगे हुए हैं, धमकी के मुकदमे लगे हुए हैं, धमकी देते हैं। बार बार इस चीज़ को कहते थे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। और 50,000 का इनामी है दानिश, वो बाहर चल रहा है, अभी तक पुलिस उसे अरेस्ट नहीं कर पाई है। खबर बहराई से है, जहां मोतीपुर थाना क्षेत्र के निवासी एक युवक ने अपने आप को खुद ही थाने में आत्मसमर्पण कर दिया। बता दें कि युवक के ऊपर थाने में कई मामलों में मुकदमा दर्ज था। युवक काफी दिनों से पुलिस की पकड़ से दूर था। वहीं जब पुलिस ने उसके मकान की कुर्क करने की तैयारी शुरू कर दी, तब कुर्क के डर से युवक ने खुद ही सुजाल थाने में पहुंचकर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। गाजियाबाद पुलिस के तमाम प्रयासों के बावजूद जिले में लूट और अपराध की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मामला साहिबाबाद थाना क्षेत्र का है, जहां बैंक से पैसे निकाल के कर आ रहे एक व्यक्ति से युवक ने उसके घर के बाहर से ही 3 लाख रुपए लूट लिए और मौके पर फरार हो गया। वहीं पीड़ित ने इसकी शिकायत पुलिस में की। पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जाँच में जुट गई। एक बुजुर्ग व्यक्ति बैंक से पैसा निकाल के आए थे और जैसे ही वो घर पे पहुंचे हैं, घर पे पहुंचने के बाद उन्होंने अपनी डिक्की खोली और पैसा जैसे ही निकाला है तो मोटरसाइकिल पीछे से लोग बाइक स्कूटी से आ रहे थे, उन्होंने उस बैग को छीन के भागे हैं। लगातार चेकिंग जारी है और शीघ्र ही उसने घटना का अनावरण किया। उसमें चंदौली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छापामार कार्रवाई करते हुए 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी आईपीएल में सट्टा लगाते थे। इनके पास से 44,150 रुपए की नकदी, एक कैलकुलेटर, 11 मोबाइल फोन और एक इमरजेंसी टॉर्च, 3 डायरी के साथ ही सट्टा पर्ची पुलिस ने बरामद की है। चंदौसी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला सामने आया है। आईपीएल में अवैध सट्टा लगाने वालों के खिलाफ इस समय जनपद संभल द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस और एसओजी की टीम के द्वारा कल चंदौसी में काशीराम आवास योजना के पास में खाली पड़े हाथे में छापा मारा गया, जहां से कुल 16 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 44,000 रुपये के करीब नकद, साथ में 5 मोबाइल, कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण वह अन्य इस तरह की सामग्री प्राप्त हुई, जिससे कि यह पता चलता है कि ये लोग यहाँ पर आईपीएल में ऑनलाइन सट्टा लगाते हैं। इन सभी को माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है गिरफ्तार करने के पश्चात। इनके विरुद्ध भविष्य में गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। और इसमें खबर औरैया से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बता दें, चौकी इंचार्ज चेकिंग अभियान चला रहे थे, तभी एक संदिग्ध व्यक्ति पर उनकी नजर पड़ी, जो पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस ने दौड़कर उसे पकड़ा तो पकड़े गए अभियुक्त से 1 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद हुआ, जिसके बाद व्यक्ति से पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम रामजी कश्यप बताया, जिसके बाद अभियुक्त को कार्रवाई के तहत जेल भेजा गया।
प्रतापगढ़ के कोडौर थाना इलाके के भागीपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें गोली लगने से दो बदमाश घायल हो गए। वहीं इस दौरान एक बदमाश मौके से भागने में सफल हो गया। आरोपियों के पास से दो तमंचा, लूट की बाइक बरामद की गई है। बता दें कि पकड़े गए बदमाशों के ऊपर लूट के दर्जनों मामले दर्ज है। फिलहाल दोनों घायल बदमाशों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। में कोडौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई, जिसमें दो बदमाशों को गोली लगी है। इनसे जब ज़्यादा जानकारी प्राप्त की गई तो ये दो बदमाश है, जिसमें से एक का नाम लालू और दूसरे का नाम मुकेश है। लालू जो है वो अमेठी जनपद का रहने वाला है, इस पर 12 से ज़्यादा मुकदमे पंजीकृत है। और जो मुकेश है ये कोडौर थाना क्षेत्र का ही रहने वाला है, हिस्ट्री शीटर है, और इस पर भी 12 से ज़्यादा मुकदमे पंजीकृत है। ये दोनों अंतरजनपदीय अपराधी हैं। इनके ऊपर अमेठी, प्रतापगढ़, जौनपुर में लूट के मुकदमे पंजीकृत हैं। इनके पास से एक अंतु थाना क्षेत्र से लूटी गई बाइक बरामद हुई है, दो तमंचे, चार ठोका कारतूस और दो जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। इनके द्वारा करीब 10 से 12 लूट की घटनाओं को अंजाम दिया गया था, जिसमें से 6 लूट की घटनाएँ जो कि जनपद प्रतापगढ़ की हैं। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि ये 50,000 रुपये से कम की लूटों को अंजाम देते थे, ताकि जो पुलिस एजेंसीज हैं उनका ध्यान इस पर ना रहे, और ये 2 बजे से लेकर 4 से 5 बजे के बीच में लूट करते थे, ताकि जिस टाइम पर लंच का टाइम होता है या जिस टाइम पर पुलिस कम एक्टिव रहती है उसी टाइम पर ये घटनाओं को अंजाम देते थे। वही देवरिया के सलेमपुर तहसील क्षेत्र के बगही गांव के पास सरकारी बियर की दुकान खुलने के विरोध में ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर तत्काल दुकान हटाने की मांग की और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने कहा कि बियर के दुकान से 50 मीटर पर ही प्राथमिक स्कूल है, साथ ही लोगों के घर भी हैं जहां लोग परिवार सहित रहते हैं, जिससे आए दिन शराबी पीकर उत्पाद मचाते हैं। वही सूचना पर पहुंचे महिल थाना क्षेत्र प्रमोद कुमार सिंह ने मांग पत्र लेकर आला अधिकारी से बात की, साथ ही जल्द ही उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। खबर अलीगढ़ से। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जितेंद्र ने MBBS क्लास के दौरान प्रोजेक्टर पर रेप हिस्ट्री व डेफिनेशन चलाकर हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणियां की। वही प्रोफेसर के इस कारनामे को लेकर अभद्र टिप्पणियों का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जमकर बवाल हुआ, जिसके बाद आरोपी प्रोफेसर जितेंद्र को निलंबित कर दिया गया और पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। बता दें मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई, जिसको लेकर भाजपा में आक्रोश व्याप्त है। निश्चित रूप से उसे तब तक जांच के समय तक हटा करके निलंबित करके जो काम किया निश्चित रूप से ऐतिहासिक कार्य है, लेकिन हम लोग भाजपा युवा मोर्चा महानगर अलीगढ़ वाइस चांसलर AMU से ये मांग भी करता है कि कभी किसी भविष्य में ऐसे व्यक्ति को यदि अच्छा होता कि स्वयं उसको पकड़ करके पुलिस के सुपुर्द करता तो संपूर्ण देश में एक मैसेज जाता कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर ने हिंदू धर्म का अपमान करने वाले शिक्षक को स्वयं पकड़ करके पुलिस के सुपुर्द। देखिए ये AMU के प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने जो हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी करी है वो बर्दाश्त नहीं है। हिंदू धर्म इस इनके कत्ल से बहुत आक्रोश में है और निश्चित रूप से इनकी गिरफ्तारी की मांग करता है और इनको आजीवन बर्खास्त करने की मांग करता है। एक जैन मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर ने कुछ अभद्र बातें अपने साइड में दिखाई थी, इस संबंध में इनके द्वारा आज एक ज्ञापन दिया गया है। इसमें हमारे यहाँ विवेचना भी प्रचलित है, साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं, शीघ्र इसमें अन्य। खबर संबल से है, जहां किसान अपने निजी ट्रैक्टर ट्रॉली में लगभग 4 बीघा जमीन का लॉक भरकर खेत में दूसरे खेत पर गेहूं निकालने के लिए ले जा रहा था और तेज हवा चलने की वजह से बेरनी बिजली घर से आ रही LT लाइन के तार अचानक ऊपर से लड़ गए और ट्रॉली में तार गिर गई। ट्रॉली में तार गिरने की वजह से ट्रॉली में बुरी तरह से आग लग गया। आग लगने से किसान का लगभग 4 बीघा गेहूं का लॉक जल कर राख हो गया। वही मौके पर भारी संख्या में ग्रामीण इकट्ठे हो गए और मुश्किल से आग पर काबू पाया।
योगी सरकार में खनन माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई कर रही है। वही संभल में जिलाधिकारी संजीव रंजन ने भी थाना प्रभारियों को सख्त आदेश दिए हैं और सभी नखास थाना प्रभारी ने खनन माफियाओं पर अपना चाबुक चला दिया और थाना क्षेत्र में चल रहे अवैध खनन को पूर्णतः बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही सूचना मिली कि हिसामपुर में जेसीबी मशीन के द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है, जिसके बाद खनन कारोबारियों में हड़कंप मच गया। संभल में जल क्रांति एकता मंच के कार्यकर्ताओं ने मेडिकल कॉलेज को सिरसी में ना बनाकर गुन्नौर क्षेत्र में बनाने की मांग की। जल क्रांति एकल मंच के संगठन प्रमुख नवनीत गांधी समाज सेवक के नेतृत्व में 5 लोगों के प्रतिनिधि मंडल ने सीएम के नाम का ज्ञापन जिलाधिकारी संभल को सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि सिरसी से टीएमयू मुरादाबाद मात्र 27 किलोमीटर है, प्रॉपर संभल में जिला अस्पताल भी है, जबकि पूरे गुन्नौर तहसील में कोई भी चिकित्सा सुविधा नहीं है, इसलिए गुन्नौर तहसील में ही मेडिकल कॉलेज बनाने की मांग की गई। आज हमने जन क्रांति एकता मंच के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को दिया है, जिसमें गुन्नौर क्षेत्र की जनता की जन भावना को ध्यान में रखते हुए 6 बिंदुओं पर हमने योगी आदित्यनाथ जी से मांग की है। गुन्नौर क्षेत्र से सभी बड़े शहर जहां मेडिकल कॉलेज हैं लगभग 70 से 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं, जैसे कि मुरादाबाद, बदायूं, अलीगढ़, बुलंदशहर आदि। सिरसी मुरादाबाद के लगभग 20-25 किलोमीटर में हैं। ये मेडिकल कॉलेज सिरसी में ना बनकर हमारे गुन्नौर क्षेत्र में बने। गुन्नौर क्षेत्र में ट्रेन की बस आदि परिवहन व्यवस्था अच्छी है और गुन्नौर क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज बनने से अनूपशहर, नरोगा, देगवा, सेसवान, अतवंगी, बैजोई, चंदोसी आदि क्षेत्रों को सीधा सीधा लाभ मिलेगा। फरीदाबाद के सेक्टर 56 इलाके में पराली जलाते समय बड़ा हादसा हो गया। खेतों में पराली में लगी आग धीरे धीरे पास में बनी झुग्गियों तक पहुंच गई और झुग्गियों को अपनी चपेट में ले लिया। आग तेजी से फैलने कि उस पर काबू पाना मुश्किल हो गया, जिसके चलते लगभग आधा दर्जन से ज्यादा झुग्गियां जलकर खाक हो गई। इस हादसे में लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस हादसे में 2 बच्चों को अपनी जान पर खेलकर स्थानीय ने बचा लिया। खबर बदायूं से है, जहां पर एक युवक सालों से ग्राम समाज की करीब 40 बीघा जमीन पर अपना कब्जा जमाए बैठा था, जिसको शाम 4 बजे हल्का लेखपाल अमित कुमार ने अवैध तरीके से बोई गए गेहूं की फसल पर कंपाइन चलवा कर ग्राम समाज की जमीन को कब्जा मुक्त कराया है। यह पूरा मामला तहसीलदार दातागंज के संज्ञान में चल रहा है। बलिया पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें 25 रुपए का इनामी बदमाश को पकड़ लिया गया। बदमाश अश्विनी सिंह के बाएं पैर में गोली लगी है। बता दें कि बदमाश के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किया गया है, साथ ही एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। फेफना थाना क्षेत्र के अगरसंडा गाँव के समीप का पूरा मामला है। जनपद बलिया के थाना फेफना अंतर्गत ग्राम अगरसंडा में कल रात्रि पुलिस टीम पर 2 बदमाशों के द्वारा फायरिंग की गई है, जिसमें आत्मरक्षात्मक कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम द्वारा एक अश्विनी सिंह को गिरफ्तार किया गया है। उक्त अश्विनी सिंह के ऊपर 1 दर्जन मुकदमे हैं, इसका आपराधिक इतिहास 1 दर्जन मुकदमों का है और ये थाना फेफना अंतर्गत हुए एक मर्डर के केस में वांछित था, जिसके लिए पुलिस तलाशी कर रही थी। घायल को तुरंत जिला अस्पताल ले जाकर के चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है, आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।